नमस्कार दोस्तों, कई बार हम ऑनलाइन एसबीआई में बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और उसका हम जल्दी अप्रूवल चाहते हैं ब्रांच से, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है ताकि आप एसबीआई ब्रांच में वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और अपना बेनिफिशियरी जल्दी अप्रूव करा लें। इसके लिए कुछ डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, बेनिफिशियरी की डिटेल्स, रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म जनरली ब्रांच में मिल जाता है, ना मिले तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने अकाउंट में नंबर चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, चेंज योर पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, एनआरके प्रोफाइल पासवर्ड और किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करना कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले एसबीआई का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म लाना होगा और उसको फिलअप करके ब्रांच में सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी, जैसे आज की डेट, दो हज़ार बाईस, ये मैंने आज यहाँ की डेट लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसके नीचे आता है कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम आपको कस्टमर का नाम जो आपकी चेकबुक डायरी में लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो आपने बैंक अकाउंट से जुड़े हुए वो नंबर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर, ये जो अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं या आपको वही अकाउंट नंबर लिखने हैं जिनमें आपके कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं अकाउंट नंबर लिख दे जाता हूँ, ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिए। उसके बाद ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है वो लिख देना है। एसबीआई, ये पड़ती है मेरी शिवगंज में। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे मेरे ये रिक्वेस्ट टू ऐड बेनिफिशियरी एंड NI बेनिफिशियरी नेम। इसके अंदर ये होता है कि आप जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद उसके जो अकाउंट नंबर वो भी यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसकी ब्रांच का नाम, जो भी उसकी ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर ऐड करना है, जैसे एसबीआई उसकी ब्रांच है तो ब्रांच का नाम लिख दिया। उसके बाद लिमिट, जैसे उसके लिमिट लिमिट लिखना है, कितने तक की लिमिट वो भेज रहा है। तो ये मैंने लिख दिए। उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पर अपना नाम ऐड करना है। फिर ये फॉर्म भरने के बाद आपको इसके जस्ट नीचे आधार कार्ड लगाना है। ये आधार कार्ड लगा के इसके पीछे ये आपको ब्रांच में सबमिट करवाना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।